श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं चतुष्षष्टितमः सर्गः इन्द्रेण तपोभङ्गाय प्रेषितां रम्भां नामाप्सरसं शिलामयीं विद्धाय विश्वामित्रः क्रोधजयेन तपश्चरणं निश्चिकाय सुरकार्यदम रे कर्तव्यम सुमह लोभनम कौशिकमोह सन्वित राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्रांजलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरं अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः क्रोधमुत्स्रक्ष्यते घोरं मयि देव संशयः ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुम् अर्हसि एवमुक्तस्तया राम स भयं भीतया तदा तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा रंभे भद्रंते कुरुष्व शासनम् कोकिलो हृदयज्ञाही माधवे रुचिरद्रुमे अहम् कंदर्प सहितस्थास्यामि तव पाश्वतह त्वमहि रूपम बहुगुणम कृत्वा परमभास्वरम तद तमृषिं तम्र, कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनं भेदय स्व तपस्वीन तम ऋषि कौशिकं बद्रे भेदय स्वतपस्वीन साचनम तस्पनुतम लोभया मिश्वा शुचिस्मता कोकिल से तो शुश्राव वलगुव्या संप्रहृष्टे न मनसा स चैनामन्ववैक्षत अत तस्य च शब्देन गीतेन प्रति मेन च चा दर्शनेन च भाया मुनि संदेहमागतः सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवः रंभां क्रोध शशापक कुशिकात्मजह यम्भरा यम यन्माम् रंभे काम क्रोध जयेशिनं दशवर्ष सहस्राणी शैलिस्थस्यसि दुर्भगे ब्राह्मणसु महातेजास्थपो बलसमन्वितः उद्धरिष्यति रंभेत्वां मदक्रोधकलुशीकृताम् मुक् महातेज विश्वामी महा, विश्वा महा मुनि अशक्नुवंधारय कोपम संताप मात्म सन्तापात्म तस्य शापेन रंभा शैली तथा वच श्रुवा चंदर्पो महर्षे सच च निर्गत कोपेन च महातेजस्तोपहरण इंद्रियजितम नले शांति आत्मनः बभूवास्य मन चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च अथवा नोच्छमि नोच्छ्सीष्यामी संवत्सर शता अथवा नोच्छ्वसी संवत्सर शहम हिशय्या आत्मा विजिंद्रियवि ब्राह्मण्यं तपसाजित अच्छ्वस नुंजान बुञ्जानस शाश्वती सभा नही मे तप्यम से क्षय या मूर्त एवं वर्ष सहस्र से दीक्षा स मुनिपुंगव चकारा प्रतिमा लोके प्रति रघुनंदन इशे श्रीमद् राये वाल्मीकिये आदि कालकांडे चतुष्टि समह सर्गः